पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। हर तरफ इस दिन को लेकर जुनून देखने को मिला। भारत के मित्र देशों की तरफ से भी उन्हें लगातार बधाई संदेश मिले। इसी कड़ी में आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है ताइवान का, जहां बाइक रैली निकाली गई, वो भी तिरंगा बाइक रैली, जिसे वहीं की रहने वाली सना हासिन ने ट्वीट किया, जिसे ताइवान के विदेश मंत्रालय ने भी रिट्वीट किया और साथ में भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। सना हाशमी ने भारत ताइपे ऑफिस की बिल्डिंग की भी तस्वीरें ट्वीट की थी, जिसमें तिरंगे के रंग की लाइटिंग की गई है और ये नजारा वाकई में बेहद जबरदस्त है और चीन को मिर्ची लगाने वाला है। ताइवान के अलावा इसराइल ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दी। एक ट्विटर यूजर हानिया नप्ताली ने अपना एक वीडियो ट्वीट करते हुए भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और साथ ही उन्होंने वीडियो में कहा कि भारत सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही नहीं बल्कि हम परिवार हैं। हम हर क्षेत्र में एक दूसरे की मदद करते हैं और एक साथ हम ज्यादा ताकतवर हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने एक और वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया। इस वीडियो में हाइफा मेमोरियल पर तिरंगे के रंग की लाइटिंग की गई है। दरअसल हाइफा शहर में स्थित यह वॉर मेमोरियल प्रथम विश्व युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के बलिदान की निशानी है। इस स्मारक को तीनों रंगों की रोशनी से सजाया गया। विदेशी धरती पर तिरंगे को मिला ये सम्मान पूरे देश के लिए गर्व की बात है। जहां एक तरफ इसराइल और ताइवान ने भारतीय स्वतंत्रता दिवस की इस वर्षगांठ को मनाया, वहीं जम्मू कश्मीर में ही स्वतंत्रता दिवस को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। Ah!